बॉस बॉस। लग जाए यार। मोहन क्या हुआ? आज तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना था, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम। तुम जानते हो ना कि एंजेलिना मैडम आ रही हैं आज। तो मालूम है, आ रही हैं यार। हाँ। वो अपने ऊपर लट्टू है, अपने को कोई टेंशन नहीं है मेरा। ज्यादा खुशफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसी खुशफहमी? एंजेलिना मैडम ने तुम्हारे साथ दो मीठी मीठी बातें क्या कर ली, तुम्हें तो लगने लगा है कि वो तुम्हारी दीवानी हो गई है। हाँ? वैसे भी तुम्हें है क्या जो इतनी बड़ी हस्ती तुम्हारे पीछे दीवानी हो जाए? क्या है वो अपनी बेटी को पूछी है। एनीवे मुझे भी तैयार हो। तैयार मैं। एंजेलिना मैडम। हेलो। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। नहीं मैं तो घर पे ही हूँ मैडम। आप कहाँ से बोल रही हैं? अच्छा आप निकल रही हैं? हाँ तो मैं पहुँच रहा हूँ ऑफिस मैडम। या सी यू एट 9:30। हाँ जी हाँ जी, पक्का मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। हाँ जी हेलो मैडम। हेलो। हाँ मैडम, आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए। मैडम आप यहाँ आइए ना, आइए ना मैडम। मोहन जी आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं मैडम, मेरे दोस्त है ना बंटी जी, उनकी तबीयत खराब हो गई मैडम, मुझे अचानक यहाँ पर आना पड़ा। मतलब इट वाज सो सडन के मैं आपको अगर सच बोलता तो आप नाराज होती ना मैडम। और मैं वहाँ पहुँच गई। कहाँ? आपके घर, लेकिन वहाँ ताला था। ताला तो होगा ही ना मैडम, मेरी दीदी मायके गई हुई है आजकल। रियली? लेकिन मैडम आप यहाँ पर कैसे? वो मैंने सुना था कि आप बंटी जी के साथ अक्सर वक्त बिताते हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई। हाँ मैडम, लेकिन आज बेचारों की तबीयत बहुत खराब है, इज वेरी सिक मैडम। क्या होने, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं उनको मैडम बहुत ही इंफेक्शियस डिजीज है, तो आपको बीमारी लग सकती है। आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल एंड देन आई विल जॉइन यू इन द ऑफिस। ओके देन आई विल सी यू इन द ऑफिस। ओके बाय। यार 10 साल की सर्विस में इतनी टेढ़ी फाइल कभी नहीं देखी। बेटा मोहन आज ही खत्म करनी पड़ेगी वरना नौकरी जाएगी तुम्हारी। मोहन जी, ये खट्टा मीठा कोल्ड ड्रिंक की जो एड है ना, इसकी मिक्स कॉपी मैंने देखी। okay. मोहन जी म्यूजिक बड़ा लो है। तो हाई करवा दो। हाई कैसे करूं? टॉप टू द म्यूजिक डायरेक्टर बेटा। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? अपने अब्बास सुलेमान है ना। अब्बास सुलेमान? दो आदमी है क्या? नहीं एक ही आदमी है। एक आदमी के दो नाम कैसे हो सकते हैं? उसके बाप को जाके पूछ यार, मुझे क्यों पूछ रहा है? उसके बाप से क्यों पूछूं? भरत कम ऑन, गेट अप फ्रॉम हियर यार। चल 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 बेटा, चल। मोहन जी ये लीजिए कॉफी। थैंक यू सर। मोहन जी बिस्किट लेंगे? हाँ लेके आ। सादा ले गया क्रीम वाला? नहीं सादा लेके आ। सादा खत्म हो गया ना? आप तो क्रीम वाला लाना। तो पहले क्यों बोला सादा चाहिए? अरे जाना यार, कुछ भी लेके आ। पूछा ना आपने, क्यों परेशान कर रहे हो खामखा? चल ठीक है ठीक है। मोहन जी कौन परेशान कर रहा है आपको? मेरे को भरत सद्दू खामखा तंग कर रहे हैं मेरे को। क्यों, कैसे तंग कर रहे हैं? बेतुके सवाल कर रहे हैं। बेतुके? और वो भी सवाल? बेतुके सवाल कैसे होते हैं मोहन जी? उल जुलूल सवाल कर रहे हैं गोल्डी जी। उल जुलूल, बड़ा उल जुलूल वर्ड है, लेकिन उल जुलूल सवाल कैसे होते हैं मोहन जी? ये वैसे होते हैं जो इस समय आप मुझसे कर रहे हैं। मोहन जी मैंने तो सवाल ही नहीं किया अभी तक आपसे। गोल्डी जी प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ, टिंगल बाजी मत कीजिए मेरी प्लीज। टिंगल? ये मोहन जी कहाँ का वर्ड है टिंगल? गोल्डी जी प्लीज, लेट मी टिंगल ना यार। नो टिंगल, नो टिंगल यार। मोहन जी आपने चंपा नेरी सारे की फाइल कहीं देखी है? यही कहीं पड़ी होगी, ढूंढ लो। यही कहीं, कहाँ ढूंढू मोहन जी? वहाँ बीपी जी गुस्सा हो रहे हैं। अरे किसी ड्रॉअर में होगी ना यार। कितनी सारी ड्रॉअर है, कौन से ड्रॉअर में ढूंढू? अरे यार अपने खुद के ड्रॉअर में ढूंढो यार, प्लीज डोंट इरिटेट मी, लेट मी वर्क। कभी तो काम करता हूँ मैं। मोहन जी प्लीज यार, मैं काम कर रहा हूँ ना यार। आई एम सॉरी मैडम, आई डिडंट नो कि यू आर देयर। इट्स ओके। मोहन जी आप मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? हवाई जहाज से आए थे क्या? नहीं मैडम, मैं तो बस में आया ना। ओह, लेकिन आपकी बस मेरी गाड़ी से पहले कैसे पहुंच गई? ये तो बस के ड्राइवर को पूछना पड़ेगा। मोहन जी आप कौन सी बस लेते हैं, एसी या फिर नॉर्मल? मैडम एसी की अपनी औकात कहाँ, मैं तो नॉर्मल बस में आता हूँ, हम तो गरीब आदमी है ना मैडम। ओफो मोहन जी, आप गरीब हैं इसलिए तो किसी के करीब हैं। सही बताया आपने मैडम, अपनी वाइफ के बहुत ज्यादा करीब हूँ मैं। ओफो मोहन जी, आज आपका हो क्या गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? ना 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 मैडम, अपनी ऐसी औकात कहाँ, जरा एक्चुअली काम कर रहा हूँ ना, तो सब तंग कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मूड खराब है। बस इतनी सी बात? मोहन जी आज आपका मूड हम ठीक किए देते हैं, चलिए मेरे साथ। ठीक कहाँ मैडम? चलिए तो सही। ये कमबख्त भी बैगन से दिल लगा दे।
बैगन भी कैसा बैगन, बेडोल बैगन। मैडम आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? ओ मोहन जी आज सवाल मत कीजिए, आज सिर्फ आप मेरे साथ वक्त बिताइए। लेकिन क्यों 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 मैडम? एक मिनट जी। ओ मोहन जी क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? मोहन जी चक्कर आ रहा है, मुझे पकड़िए मोहन जी। अरे बहन जी, बहन जी प्लीज हेल्प आर। मोहन जी मुझे पकड़िए। हेल्प हेल्प दिस लेडी। एक्सक्यूज मी आई एम फाइन थैंक यू बाय। बैठिए। फाइन थैंक यू। बड़ी जल्दी रिकवर कर लिया। थैंक यू मोहन जी। आइसक्रीम नहीं मैम। मोहन जी आइसक्रीम लीजिए ना मोहन जी। नहीं मैम। मोहन जी प्लीज। नहीं मैम। खाइए ना प्लीज मोहन जी। आप ये क्या कर रहे हैं, कभी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, कभी पिज्जा की तरफ, फिर घड़ी की तरफ। प्लीज पिज्जा खाइए ना। नहीं नहीं मैडम, बात यह है कि जब तक मैं घर नहीं जाऊं तो मेरी बीवी खाना नहीं खाती है मैडम, मेरी शी वेट्स फॉर मी, तो मैं बहुत बहुत गिल्टी फील करता हूं। और मैडम दूसरी बात यह है कि मेरी लास्ट बस मिस होने हो जाएगी मैडम, तो मैं निकलता हूं मैडम, बाय। कहां जा रहे हैं आप? मोहन जी, मोहन जी मजा तो आपको आया होगा, मेरे लिए तो सजा थी। मोहन जी आपने मेरी इंसल्ट की, how could you? Not fair मोहन जी। मैम आपने मुझे बुलाया। Tell me Mr. Verma। Oh my God, आपके चेहरे पर जो सिंदूर और जो ये दूध का मिक्सचर है उससे जो लाली पैदा हो रही है उससे साफ जाहिर है कि आप बहुत हर्ट हैं, बहुत अपसेट हैं। You're right, मैं बहुत हर्ट हूँ और बहुत अपसेट हूँ। क्या हो जाए मैम? मोहन जी। Come on, आपको देख के लगता है कि आपकी चॉइस अप मार्केट होगी, लेकिन मोहन जी इतनी डाउन मार्केट चॉइस। मिस्टर वर्मा, जो चीज आसानी से हासिल नहीं की जाती वो डाउन मार्केट नहीं होती। तो आप मोहन जी को हासिल करना चाहती? नो, मैं उन्हें हासिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो उनका घमंड तोड़ना चाहती हूँ। उन्हें बड़ा घमंड है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और दूसरी औरत की तरफ देखते भी नहीं। मैं मोहन जी को अपने इर्द गिर्द घुमाना चाहती हूँ। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल मैम। मिस्टर वर्मा यू आर चैलेंजिंग मी चैलेंज समझ लीजिए। ओके ऑलराइट ऑलराइट देन, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं मोहन जी को अपना दीवाना बना के रहूंगी। एक मुश्किल कोशिश है बट इट्स नो हार्म इन ट्राइंग। ओह मिस्टर वर्मा आपने अब तक मेरा असली रूप देखा ही कहां? अगर मैंने मोहन जी को अपने इशारों पर नचा दिया तो आप क्या हारेंगे? दिल? Not interested. Anyway, it's a deal. A deal. Bye. मोहन जी। क्या बात कर रहे हैं मोहन जी? अंजलि ना मैडम आप आइसक्रीम खिला रही थी और आपने खाई नहीं? नहीं खाई मैंने। आपने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई? भरत मैं तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं हूँ कि किसी के हाथ से कुछ भी खा लूँ। फिर वो हमारी बॉस है यार, कुछ अगर ऊंच नीच हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊंच नीच कैसे हो जाती? सवाल मत कर, सवाल मत कर मोहन जी। लेकिन आपकी इस हरकत से वो बॉस तो नाराज हुई होगी, तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या करें, अब एक तरफ एंजेलिना मैडम है, एक तरफ मेरी इतनी प्यारी बीवी, मैं तो बीच में यार। वाकई मोहन जी आपकी बीवी जैसी कोई नहीं और आप जैसा भी कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच मैडम। मोहन जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना। मैडम आपने मोहन जी को परेशान क्यों किया? आप लोग को आपकी नौकरी प्यारी है? प्यारी है मैडम, नौकरी प्यारी है। चलो 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 मोहन जी। जी मैम। प्लीज आप मुझे एक पागल समझकर माफ कर दीजिए ना। मैडम मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? दरअसल मोहन जी बचपन में ही मेरे माँ बाप का प्यार मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। चाचा चाची ने पाला तो सही लेकिन ममता और प्यार से नहीं बल्कि नफरत और जिल्लत से। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ मोहन जी मुझे जिंदगी में बस नफरत ही नफरत मिली है। किसी ने मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं किया। ओह नहीं। किसी की आंखों में मैंने अपने लिए आंसू का एक कतरा तक नहीं देखा। मुझे तो दुनिया से नफरत ही हो गई थी कि अचानक मेरी आंखें दो आंखों से टकराई। हालांकि उन आंखों पर मोटा चश्मा था लेकिन उन आंखों में मैंने अपने लिए हमदर्दी देखी। उन चश्मे वाली आंखों में मुझे अपने लिए अपनापन नजर आया। जानते हैं वो आंखें किसकी थी?
मैडम वो आंखें जरूर वीपी साहब की होंगी, है ना? ओफो मोहन जी, वीपी साहब की आंखों में तो मुझे मोतियाबिंद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो आंखें तो आपकी थी मोहन जी। मेरी आंखें मैडम? हाँ मोहन जी, आपसे मिलकर मुझे जिंदगी से प्यार हो गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी के आखिरी 6 महीने अच्छे से गुजरेंगे। इसके बाद कहीं फौरन जा रही हैं आप? नहीं मोहन जी, डॉक्टर ने कहा है वो लास्ट स्टेज पर है। क्या हुआ डॉक्टर को मैडम? क्या हो गया आपके डॉक्टर को मैडम? क्या हुआ डॉक्टर साहब को? डॉक्टर को नहीं मोहन जी, मुझे ब्रेन ट्यूमर। 6 महीनों में मेरी सांसें मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी मोहन जी। नहीं 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 मैडम, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं मोहन जी, मैं झूठ नहीं बोलती। भगवान, तूने ये क्या कर दिया? इतनी हंसती खेलती हंसती, ये क्या किया तूने? रुला दिया उसको, रुला दिया। मोहन जी, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। बोलिए ना मैडम, बोलिए, क्या है, क्या है, बोलिए। मैं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ, आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। बस मैडम, डिनर? मैं तो आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ जी। मतलब लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, चाय, बिस्किट, केक, जो खिलाएंगी वो खा लूंगा। मोहन जी, आपकी यही अदा तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। आइए मोहन जी, दिस इज माय स्वीट जी। बैठिए ना। कैसा लगा? सो स्वीट मैडम, सो स्वीट है ना? या मोहन जी, क्या बात है, आप इतने डरे भी क्यों लग रहे हैं? मैडम, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पराई औरत के साथ होटल के रूम में आया हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। ओफो मोहन जी, पहली बात तो मैं पराई नहीं हूँ, आप ही की तो हूँ। और दूसरी बात, आप मुझे मैडम मत बुलाइए, एंजेलिना बुलाइए ना। I will try. Good. अच्छा बताइए, आप क्या पियेंगे? पानी। पानी? सिर्फ पानी? जी मैडम। पानी में कुछ मिलाकर नहीं मोहन जी? नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैं जब भी पीता हूँ नीट ही पीता हूँ, आई मीन जब भी पीता हूँ नीट ही पानी पीता हूँ। नहीं नहीं। ओ मोहन जी प्लीज, एक पैक तो ले लीजिए ना। नहीं मैडम, नहीं, नेवर मैडम, मैं कभी पीता ही नहीं। ओहो, ये तो काबू में ही नहीं आ रहा है। एंजेलिना, प्लान नंबर 2। मैडम आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि आपको बताऊं या ना बताऊं। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। आपको बताए, मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ और एक्टिंग भी जानती हूँ। Really? हाँ, और मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बहुत अच्छी बड़ी फिल्म बनाऊँ जिसके हीरो आप होंगे। मैं? और हीरो? हाँ, आपकी फिल्म का हीरो मैं? हाँ, मेरी फिल्म में आप हीरो। आपको बताए, मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख ली है। अच्छा? ये देखिए। हाँ, ये। लेकिन मैडम इस स्क्रिप्ट में तो हीरोइन का नाम एंजेलिना और हीरो का नाम मोहन। इत्तेफाक मोहन जी, इत्तेफाक, ये स्क्रिप्ट तो मैंने 5 साल पहले लिखी थी, तब मुझे क्या पता था कि एंजेलिना को मोहन मिल जाएगा। या। मोहन जी, आपको इस फिल्म की स्टोरी पता है? इसमें हीरो हीरोइन को सेक्सुअली हैरेस करता है और हीरोइन एंड में हीरो का मर्डर कर देती है। मतलब मेरा खून होने वाला आपके हाथों इस फिल्म में? जस्ट इस फिल्म में। अच्छा, हम पहला सीन रिहर्स करें? ओके मैम। लेकिन मैडम ये डायलॉग तो बड़े उत्तेजक और बड़े मतलब हाई वोल्टेज के हैं। मैं आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर तो नहीं बोल पाऊंगा ये लाइनें मैडम। मैडम डू यू माइंड मैं अगर उधर मुंह करके बोलूं तो? ओके, लेकिन लाइन जरा फीलिंग्स के साथ। जी यस मैडम, फुल फीलिंग। गुड, ओके। अब मैं बोलती हूं आपको एक्शन। ओके जी, रेडी? हां मोहन जी, एक्शन। मोहन जी, एंजेलिना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम इतनी लंबी होकर लगता है कि मेरी मोहब्बत भी बहुत लंबी चलेगी। हम दोनों दो जिस्म एक जान है एंजेलिना, एज बिकॉज आई लव यू। ओ मोहन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? नहीं एंजेलिना, मैं अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता एंजेलिना। आई लव यू। ओ मोहन, आई लव यू टू। आई लव यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे अरे मोहन जी, ये क्या कर रहे हैं? आई मीन आप तो पूरे फ्लो में बह गए। आपने कहा कि बह के बोलना है तो मैं बह के बोल रहा था। वेरी गुड। अच्छा मैडम, ओ माय गॉड, इट्स सो लेट मैडम, मेरी बस निकल जाएगी, लास्ट बस निकल जाएगी। मैं चलूं मैडम? हाँ, लेकिन भूलिएगा मत,
मैडम नहीं, एंजेलिना। एंजो, एंजो इज ओके। आई लाइक इट मोहन जी। ओके मैम। ओके बाय। ओ मोहन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों दो जिस्म एक जान है एंजेलिना। ओ मोहन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैं अपनी बीवी को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता एंजेलिना। आई लव यू। ओ मोहन, आई लव यू टू। आई लव यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बंद करिए इसको, बंद करिए। दिस इज डिस्गस्टिंग मीरा जी, आपने सुना? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। प्लीज मीरा जी, मुझे नहीं लगता कि मोहन जी ऐसी हरकत कर सकते हैं। मोहन जी को दूध के धुले हुए नहीं है, एक नंबर के शातिर इंसान है। आई नो हिम वेरी वेल। प्लीज आप लोग झगड़ा मत करिए, अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो प्लीज चले जाइए। नो, आई बिलीव यू मैम, आई बिलीव यू। हाय अंजू, सॉरी मैम, तो फिर आपको मजा आया? मोहन जी, मजा तो आपको आया होगा, मेरे लिए तो सजा थी। क्यों, आपको मजा नहीं आया मैम? देखिए देखिए कितने बेशरम हो रहे हैं, एक तो मेरी इज्जत से खेलकर उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हैं मजा आया कि नहीं। मैडम आप क्या बात कर रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा भोले मत बनिए मोहन जी, आपने जो किया है ना वो इतना घटिया काम किया है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आपने अपने बॉस को भी छी 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 छी, घिन आती है मुझे आपसे। सर जी आप बोल क्या रहे हैं सर? आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओह शट अप मोहन जी, प्लीज अब आप लोग ही फैसला कीजिए, मेरी इस हालत में कौन थामेगा मेरा हाथ? मोहन जी, ये हाथ मैम को दे दीजिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहन जी, ये हाथ मैम को दे दीजिए प्लीज। नहीं मोहन जी, तुम इनके साथ घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा इस वैसे दरिंदे से? Yes, boss. मेरा मेरी बात पे यकीन करो, ये झूठ है, ये बकवास है, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। वो तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगी? मुझे पाने के लिए, मुझे हटाने के लिए। तुम अपने आप को क्या ऋतिक रोशन समझते हो? जो तुम्हें पाने के लिए वो ये सब कुछ करेगी। शक्ल देखी अपने आईने में? ये क्यों नहीं कहते कि तुम उस एंजेलिना को पाना चाहते थे, जब वो आसानी से बस में नहीं आए तो तुमने उसके साथ जबरदस्ती? अरे आप क्यों तड़का लगा रही हो? जब तुमने खिचड़ी पकाई है तो मैं तड़का लगाऊंगी ना। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे इस घर में, तुम चले जाओ इस घर से। मेरा मेरे यकीन करो, मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ डार्लिंग। जब तुम अपने आप को पवित्र साबित करोगे, बेकसूर साबित करोगे, उसी दिन इस घर में कदम रखना। अब जाओ, गेट आउट, आउट, आउट। बेटा कब दोगी तलाक? कब दोगी? बोल ना तलाक कब दोगी? अबे शेखर, जो काम मैं सालों में नहीं कर पाया इस एंजेलिना मैडम ने एक झटके में कर दिया। अपनी माँ निकली वो। चल बाद में बात करता हूँ। आ गई एहसान करके। कहाँ से रही रात गए? एक मिनट, आइए आइए। कौन है? आइए ना मोहन जी, आइए आइए। तुम इनके साथ घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा इस वैसे दरिंदे से? तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे किसी से डर नहीं लगता। ओके शट अप, ये आदमी इस घर में नहीं रहेगा, बस बात खत्म हो गई। मोहन जी इसी घर में रहेंगे। यू डोंट नो, इस आदमी ने हमारे इंजीनियर मैडम के साथ क्या किया? क्या किया, क्या किया इन्होंने? बेचारे इनके मासूम चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें लगता है इन्होंने कुछ किया होगा? बनिए मत, ये आदमी इसी वक्त इस घर से बाहर जाएगा। मैम छोड़िए मैडम, छोड़िए, आप किसके मुंह लग रही है मैडम? मैं जानता हूँ ये मेरी जंग है, अब मुझे मालूम है कैसे जीतनी है, कैसे जंग लड़नी है, मैं जानता हूँ। चाहिए बाहर जाके अपनी जंग लड़िए, जंग लड़िए, जंग लड़िए, लड़िए जंग अपनी। हीरू, समझ में नहीं आता मोहन जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ भरत, मुझे भी यकीन नहीं होता कि हमारे मोहन जी ऐसा कर सकते हैं। हाय भरत। हाय। हाय हीरू। हाय मोहन जी। मीरा मैम कहाँ है? देखा मीरा जी, आपके लाडले ने क्या गुल खिलाया, बहुत सपोर्ट करती थी ना आप इनको। सर प्लीज आप जले पर नमक मत छिड़किए। हेलो सर। हेलो मैम। मोहन जी, दिस इज योर डिसमिसल ऑर्डर एंड यू आर फायर। डिसमिसल ऑर्डर? यस मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, प्लीज। मोहन जी, आपने हमेशा के लिए मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमेशा के लिए ऑफिस को छोड़ के चले जाएं। आउट। मोहन जी,
मोजी गोंडी जी इनको समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूं मैं तो। रिलैक्स मोजी रिलैक्स, कयामत की नजर तो हम भी रखते हैं। मैंने अभी अभी एंजेलिना मैडम को फोन पर अपनी सहेली के साथ बात करते हुए सुना, बहुत खुश थी वो, ठहाके मारकर हंस रही थी। क्या? हाँ हाँ, अब आप ही बताइए, जिस औरत के साथ ऐसा सुलूक हुआ वो हंस कैसे सकती है, कैसे खुश रहेगी वो? मैडम अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं बेकसूर हूँ। दाल में जरूर कुछ काला है। मोहन जी आपने फैसला कर लिया ना? मोहन जी आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ मैडम हाँ, करूंगा आपसे शादी, जरूर करूंगा। क्या? कहते ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखिए ना, कल रात को ही मेरी बीवी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और मेरे चार छोटे छोटे बच्चे बेचारे बिन माँ, हाँ चार बच्चे हैं, वो बिन माँ के हो गए ना मैडम। अब क्या है कि उनको अचानक एक नई अच्छी डैशिंग माँ मिल गई और मुझे एक कमाऊ बीवी। सद्दू बच्चों को लाओ भाई। चलो 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 चलो। बच्चों बेटा ये तुम्हारी नई मम्मी। जाओ 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 बच्चों, अपने मम्मी के पास जाओ जाओ जाओ।